आज फाइनली हमने आपके लिए वीडियो लेके चले आया, जहां आप लोग बहुत सारे कमेंट करते थे सर पीटीईसी का सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट कब जारी होगा और कैसे चेक कर पाएंगे। फर्स्ट किस जारी हुआ था मैंने वीडियो पहले से बना दिया था, वो अगर वो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए सेकेंड भी जारी हो चुका है, कैसे आप कर पाएंगे तो हमको इस वीडियो में बताएंगे। पीटीईसी सुखासन जो कि मधेपुरा बिहार के में है, तो चलिए किस तरह उसके लिए आपको पीटीईसी सुखासन की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक भी हम आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपको ये वेबसाइट सेम ही दिखाएगा। सिंपली करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे आना आपको मेन्यू में, मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको मिल रहे हैं रिजल्ट, तो चलिए रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सूचना दिया गया है, द्वितीय काउंसलिंग के लिए तिथि की घोषणा एवं मेगा अंक का कट ऑफ। उसके बाद यहाँ विज्ञान और कला साइंस, अगर आप विज्ञान से किए थे तो वो देना, अगर साइंस है तो वो देना, अगर विज्ञान तो ये साइंस, अगर आर्ट उर्दू से दिए हैं तो यहाँ पे अपना कला आर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो विज्ञान उर्दू से दिए थे तो उर्दू पे सेलेक्ट, कला पे करेंगे क्योंकि उर्दू जो होता है वो आर्ट में ही आता है। तो यहाँ पे कटअप जारी कर दिया गया है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया काउंसिलिंग का, और इसका डेट भी दिया गया 27/6 को 10:30 बजे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया किस कोटि के किस कितने परसेंट अभ्यर्थी को दूसरी चयन लिस्ट में लिया गया और उसका मेगा सूची में क्रमांक संख्या क्या है, वो आपको दिया गया। सभी कोटि के अलावा, कोटि के द्वारा दिया गया है, सभी जात के यूआर ईबीसी सभी के अलग अलग डिफरेंस, यानी कि सभी को अलग अलग बांट के यहाँ पे बताएगा। यूआर अनरजिस्ट्रेशन जनरल जो होता है उसको 70% से लेके 75% तक को लिया है, 36 लिया है कुल 36, और उसकी क्रमांक जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसका मेगा सूची के क्रमांक जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको उर्दू हो गया, अगर आप साइंस किए तो यहाँ पे उस रिजल्ट पे आना, उसके बाद यहाँ पे विज्ञान पे क्लिक करना है, विज्ञान पे क्लिक करें, उसी तक यहाँ पे लिस्ट आ जाए किस कौन सा कैटेगरी में कितना लिया गया है, कितना प्रतिशत लिया गया, उसका क्रमांक संख्या क्या है जिसको लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका नाम इसमें आ गया है तो यहाँ पे देखिए नामांकन है तो सूचना पत्र आप डाउनलोड कर देंगे, फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, शपथ पत्र, ये सब डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पीटीईसी कॉलेज में 27 तारीख को जाना है, 27/6/19 को। ठीक है, और वहाँ पे आपको जो ऑनलाइन करते हो चालान काटे थे 100 रुपया का, वो चालान भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे दिया गया है पूरा आपको इसमें नामांकन तो सूचना पत्र में, यहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप पीटीईसी अप्लाई किए थे या कहीं से भी अप्लाई किए थे उसका चालान आप 100 का काटे थे, ठीक है, तो वो चालान अगर आपके पास नहीं है, खो गया है या नहीं मिल रहा है, उसको किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि इस बारे में वीडियो बना, या अदर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप सभी जानकारी अपने सीधे मोबाइल व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे चैनल पे आना, यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आकर आप हमसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि किसी भी जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी होता है सारा चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के द्वारा अभी आपको मिलती रहेगी। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।